5 फरवरी से ग्यारह फरवरी तक का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पांच से ग्यारह फरवरी तक के साप्ताहिक राशि फल के बारे में तुला राशि के लोगों के लिए इन सात दिनों में किस तरह के योगों का निर्माण होगा ग्रहों का राशि परिवर्तन किस जगह पर होगा और उन ग्रहों का उन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। अब इस सप्ताह में सबसे पहले मैं ग्रहों की अगर बात करूं तो देखिए कई ग्रहों का परिवर्तन इस सप्ताह में रहेगा पहला तो पाँच फरवरी को ही है पाँच फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में पहले से ही यहाँ Uh, सूर्य मौजूद हैं और बुध का भी राशि परिवर्तन हुआ तो त्रिग्रह योग बन जाएगा और 8 फरवरी को जो बुध हैं वो अस्त हो जाएंगे इसके बाद 11 फरवरी को कर्म फलदाता शनि जो कुंभ राशि में मौजूद हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो अस्त हो जाएंगे और इनका परिवर्तन जो करना है ये काफी ज्यादा प्रभावशाली भी रहने वाला है अब अगर हम बात करें कि क्या पर्व होने वाले हैं क्या व्रत हैं त्योहार हैं तो पांच फरवरी को शटतिला एकादशी है एकादशी का व्रत रहेगा और नौ फरवरी को मोनी अमावस्या है जिसको दर्श अमावस्या भी कहते हैं जिसको माघ मास की अमावस्या भी कहते हैं ये अमावस्या इस दिन रहेगी अमावस्या का दिन बेहद खास रहने वाला है माघ माँग माह की अमावस्या रहेगी योगों की बात करूं तो कई तरह के योगों का निर्माण होगा जो काफी ज्यादा शुभ होने वाला है यानी कि आप देखेंगे गज केसरी राजयोग है अमृत सिद्धि राजयोग है त्रिपुष्कर आदि राजयोग है त्रिग्रही योग है बुधादित्य राजयोग है तो ऐसे जब योग हैं उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अब ये चीजें कैसे प्रभावित करने वाली हैं क्या कुछ खास होने वाला है चले जानते हैं विस्तार से तो यहाँ तुला राशि के लोगों के लिए ये जो सप्ताह की शुरुआत होगी ये एक अच्छी नेटवर्किंग के लिए रहेगी आप एक बढ़िया नेटवर्किंग कर पाएंगे साथ ही आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपका जो समय है वो काफी मजेदार बीतने वाला है इस सप्ताह में आप बहुत बातचीत करने वाले होंगे यानी ऐसे व्यक्ति के रूप में आप आएंगे कि समाज में भी आपकी बातचीत ज्यादा होगी समाज के लोगों के साथ उठना बैठना भी आपका ज्यादा रहेगा और हां आपका जो समय है ना वो दोस्तों के साथ अपने भाई बहनों के साथ काफी ज्यादा रहने वाला है सामूहिक योजनाएं हैं परियोजनाएं हैं उनमें भाग ले सकते हैं और ये आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा देखिए जब नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है ना सोशल नेटवर्किंग तो आपको करनी चाहिए वो बेहद अच्छी होती है ये आपके करियर के विकास के लिए भी अच्छी होगी जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोगों का अनुभव आपको मिलेगा उतने लोगों से बातें आपको पता चलेंगी और आप दूसरों के बारे में अपने विचार आसानी से व्यक्त भी कर पाएंगे इस दौरान आपके दोस्त हैं आपके प्रियजन हैं उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे काम पर आपके आसपास मौजूद सभी लोग आपसे और आपके कम्युनिकेशन स्किल से प्रभावित हो सकते हैं कहते हैं ना कि जिसकी वाणी बड़ी मधुर हो लोग उससे वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं और वाणी के देवता कौन है बुद्ध हैं और देव कहां मौजूद हैं बुद्ध देवा के चौथे भाव में मौजूद हैं चौथे भाव में मंगल भी जा चुके हैं तो मंगल क्या है मंगल अग्निदेव के कारक है लेकिन ये साहस देने वाले भी हैं देखिए चौथे भाव में मंगल अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये माता का भाव है माता को प्रोटेक्ट करते हैं चौथा भाव अब यहां से मंगल की जो स्थिति है वो अगर आप देखेंगे तो मंगल इस सप्ताह में आपके लिए क्या करने वाला है तो मंगल क्या करेगा मंगल आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा मंगल आपके लिए आ, आपका जो रुझान है वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा और साथ में आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होंगे एनर्जी बहुत ज्यादा होगी आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी लेकिन काम को जल्दबाजी में भी करना चाहेंगे कि आप अपने काम को जल्दबाजी में निपटाना चाहें क्योंकि ये क्या करता है एनर्जी इतनी होती है कि जल्द जल्दी में काम करने की स्थिति हो जाती है तो बस इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन लेना है ना कोई काम करना है अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपको अपने करियर में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है तो शेड्यूल थोड़ा सा बदल भी सकता है पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो शादी के बारे में जो शादी के योग्य जातक हैं वो सोच सकते हैं आपका परिवार आपके लिए कोई नया रिश्ता भी लेकर आ सकता है जो लोग शादीशुदा हैं उनका वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा प्रेम भरा रहेगा और इस के साथ ही ये सप्ताह धर्म में आपके विश्वास को काफी बढ़ाएगा कपल्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी और आपका एनर्जी लेवल मैं कह चुकी हूँ हाई रहेगा क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके एनर्जी को भी बढ़ाएगी चौथे भाव में भवन भूमि इन सभी का सुख भी आपको दिलाएगी और साथ में ये जो स्थिति यहाँ तुला राशि के लोगों के होने वाली है तो देखिए जब आप लोगों से खुलकर बातचीत करेंगे ना और चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति जो सातवें घर में स्थित हैं वो आपके साहस को बढ़ाएंगे जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो बड़ा एनर्जेटिक तरीके से करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा कई बार होता है हम निर्णय लेते हैं लेकिन हम हिचकिचाते हैं कि हमारा निर्णय सही होगा या नहीं लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका जो निर्णय आप ले रहे हैं वो एक अच्छा है वो अच्छा है और सप्ताह भी आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है इस दौरान कई उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे और आपको जीवनसाथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से अचानक से लाभ की उम्मीदें भी बन रही या इन चीजों के लिए भी स्थितियां बनती दिखाई दे रहे हैं कई बार होता है कि सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं एनर्जी आपके अंदर दिखाई भी देगी आपकी कार्य क्षमता में भी उसी के बदौलत आप काम कर पाएंगे लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे और आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं कि ये काम जो है आपको इसी समय अवधि में खत्म करना है जो अच्छा रहेगा देखिए स्टूडेंट की मैं बात करूं तो इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे वो उन्हें अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं और उसके लिए वो मेहनत भी करेंगे और इसीलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देने वाले हैं तुला तो राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कह सकती हूं सप्ताह बहुत ही खास होने वाला है सत्ता सरकार से आप जुड़े हैं तो आपका जो मेल जोल है बाकी लोगों से बढ़ेगा उनकी मदद आपको मिलेगी उनकी मदद से लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे काम काजी महिलाएं हैं उनके कदम में भी वृद्धि होगी सम्मान में वृद्धि होगी पद में वृद्धि होगी यानी उनके लिए हर तरीके से अच्छा है समय जिस और कार्य क्षेत्र में तो बॉन्डिंग अच्छी है बल्कि घर परिवार में भी उनका दबदबा बना रहेगा अगर आपका पैसा बाजार में फंसा हुआ है तो निकल सकता है जरूर ट्राई करें सप्ताह में क्योंकि वो आपका बाजार में फंसा हुआ पैसा है किसी को उधार दिया हुआ पैसा जरूर निकल सकता है आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे ये सबसे बड़ी चीज़ है जब आप संतुष्ट रहें तो एक बड़ी अच्छी ये आपकी मेंटल स्थिति होती है क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है बहुत अच्छा रहेगा बस अपने रिश्तों में एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका लव पार्टनर है या आपका जीवन साथी है उसकी भावनाओं की कदर करें अगर आप उसकी भावनाओं की कदर करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा इसीलिए बड़ों ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और ये सच्चाई भी होती है तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल आपके लिए रहने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके रहने वाली हैं और शानदार सप्ताह तो देखिए रहेगा ही रहेगा तरक्की में भी नौकरी में भी व्यापार में भी हर चीज़ों के लिए अब उपाय की बात करते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए क्या उपाय आपके लिए अच्छा होने वाला है तो आपको एक तो शिव चालीसा का पाठ करना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है प्रतिदिन ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें